हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन में आपका चैप्टर जैव रसायन चल रहा था, इसमें आज अपन लास्ट टॉपिक क्लियर करेंगे और अपना ये लेशन कंप्लीट हो जाएगा, खाद्य परिरक्षक एवं खाद्य रंग। इसकी बात करेंगे, खाद्य परिरक्षक एवं खाद्य रंग आपकी बुक में दे रखा है परिरक्षक, तो आप इसमें समझ जाएंगे। देखिए बेटा, पहले सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, खाद्य परिरक्षक। इसकी बात करेंगे बेटा, खाद्य परिरक्षक या परिरक्षक दे रखते हैं इसमें, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। खाद्य परिरक्षक कहें या परिरक्षक कहें, खाद्य खाने वाली वस्तुओं को बचाने वाला रासायनिक पदार्थ कहलाता है आपका खाद्य परिरक्षक कहलाता है। क्लियर? तो अपन बात करेंगे यहां पर इसकी कि वे रासायनिक पदार्थ जो खाने वाली वस्तुओं या खाद्य वस्तुओं को जीवाणुओं से, विषाणुओं से, सूक्ष्म जीवों से लंबे समय तक बचाती है, क्या कहलाते हैं, खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। वे रासायनिक यौगिक जो सूक्ष्म जीव जैसे विषाणु, जीवाणु आदि से लंबे समय तक बचाए रखते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। खाद्य परिरक्षक में कुछ गुण ऐसे होने चाहिए कि उसको अपन खाद्य परिरक्षक के रूप में या परिरक्षक के रूप में उसका उपयोग कर सके। जैसे बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है, ऐसे नहीं है कि जितना खाद्य परिरक्षक उतना मिलाना पड़े, बहुत कम मात्रा में आवश्यक हो। स्वाद में और उसकी गुणवत्ता में कोई अंतर ना आए या कोई कमी ना आए, स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव ना हो, ऐसे गुण किसमें होते हैं आपके, खाद्य परिरक्षक में। कैसे, बहुत कम मात्रा में आवश्यक हो, दूसरा स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव ना हो, जो खाद्य पदार्थ जिसमें मिला रहे हैं किसको, खाद्य परिरक्षक को, उसकी गुणवत्ता में कोई कमी ना हो। अगर ऐसे गुण है तो उसको क्या कहेंगे अपन, खाद्य परिरक्षक कहेंगे। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका प्राकृतिक परिरक्षक या खाद्य परिरक्षक, और दूसरा होता है आपका रासायनिक। कौन सा होता है बेटा, रासायनिक। क्लियर? खाद्य परिरक्षक कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के, प्राकृतिक परिरक्षक और दूसरा है रासायनिक परिरक्षक। क्लियर? प्राकृतिक परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है किसमें, अचार मुरब्बा को सुरक्षित रखने के लिए, अचार मुरब्बा को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे वनस्पति तेल, नमक आदि क्या होते हैं, प्राकृतिक परिरक्षक होते हैं। अचार मुरब्बा को परिरक्षक किससे किया जाता है, तेल और नमक से, क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक परिरक्षक, जो प्रकृति में अवेलेबल होते हैं, प्रकृति में आसानी से मिल जाते हैं। बात क्लियर है? दूसरे आते हैं आपके कौन से, रासायनिक परिरक्षक। कौन से होते हैं, रासायनिक परिरक्षक। रासायनिक परिरक्षक में एक तो अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक रासायनिक यौगिक, और दूसरे हैं आपके कार्बनिक रासायनिक यौगिक। क्लियर? रासायनिक परिरक्षक में कितने हो गए, दो प्रकार के हो गए, अकार्बनिक रासायनिक यौगिक और दूसरे हो गए आपके कार्बनिक रासायनिक यौगिक। बात करता हूं मैं अकार्बनिक रासायनिक यौगिक, तो इसमें यहां पर
सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन से बना जो यौगिक होता है, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस, इसकी बात करूंगा मैं, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस को किसको बचाने के लिए, कटे हुए फल, इसकी बात कर रहा हूं मैं, कटे हुए फल, मांस, मछली आदि को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए अकार्बनिक रसायन जैसे SO2 और क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। कटे हुए फल, मांस, मछली आदि को परिरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक रासायनिक यौगिक कहलाते हैं, जिन्हें रासायनिक परिरक्षक कहा जाता है। अब बात आती है किसकी, कार्बनिक रासायनिक यौगिक जो किसका काम करेंगे, रासायनिक परिरक्षक का काम करेंगे। उदाहरण है आपके सामने, देखो सारे के सारे कार्बनिक है, पहले बता देता हूं नाम आपको, सोडियम बेंजोएट, किसकी बात होती है, सोडियम बेंजोएट, क्लियर, पैराबेंस, आपको सूत्र से कोई मतलब नहीं, नाम याद रखना। तो क्वेश्चन आ जाता है किसी का भी मुरब्बा जैन जेली को बचाने के लिए प्रयुक्त खाद्य परीक्षक का नाम लिखिए, बिस्किट पापड़ को बचाने के लिए प्रयुक्त खाद्य परिरक्षक का नाम लिखिए, क्लियर बेटा, सोडियम बेंजोएट जिसका 0.06 से 0.1% विलयन किसमें काम आता है, फलों के रस, जिसको जूस कह सकते हो आप, जैम, जेली, मुरब्बा आदि को परिरक्षित करने में प्रयुक्त किया जाता है। इसकी बात कर रहा हूं मैं, सोडियम बेंजोएट 0.06 से 0.1% विलयन फलों के रस, जैम, जेली, मुरब्बा आदि को बचाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा आता है पैराबेंस, इसका पूरा नाम दे रखा है एल्किल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट, इसी का है एल्किल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट, क्या सचना है, कोई मतलब नहीं, आपको नाम ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखोगे, नाम ध्यान रखोगे और काम ध्यान रखोगे, क्लियर। तो किसमें, टमाटर की चटनी, सॉस, मुंह में पानी आ रहा होगा, टमाटर की चटनी और सॉस को बचाने में काम में लिया जाता है, आते हो ना, ये मिलते हैं आपके यहाँ पे बांसुर में, पता नहीं जो भी है, पर सॉस काम में आता है। सॉर्बेट, सॉर्बिक अम्ल का लवण है ये, क्या है, सॉर्बिक अम्ल का लवण, राइट। दूध पनीर से बने खाद्य पदार्थों को, दूध पनीर से जो बनते हैं मिठाई वगैरह जो भी आप बनाते हो, उनको बचाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, सॉर्बेट्स का प्रयोग करते हैं। लास्ट आपका प्रोपियोनेट्स, इसकी बात आती बेटा, प्रोपियोनेट्स, प्रोपियोनिक अम्ल के एथिल व फेनिल एस्टर, प्रोपियोनिक अम्ल के एथिल व फेनिल एस्टर, ये सूखे पदार्थ, सूखे खाद्य पदार्थ, बिस्कुट, पापड़ आदि को बचाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। बात क्लियर है, तो कौन कौन से हुए, सोडियम बेंजोएट, पैराबेंस, सॉर्बेट्स और प्रोपियोनेट्स, थोड़े नाम हटपटे होंगे, एक दो बार लोगे आ जाएगा आराम से, क्लियर, राइट है। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है ये तो डाइट बन जाएगा, खाद्य प्रेक्षक को उदाहरण से समझाइए परिभाषा, इसके गुण, और आपको कोई भी उदाहरण आपको दे, या फिर इनमें से क्रॉस क्वेश्चन बन जाए कि इसको बचाने के लिए कौन सा खाद्य परिरक्षक प्रयुक्त होता है, तो फिर बेटा आपको ये पूरी चीज ध्यान में रखनी होगी, क्लियर है, एक दो बार याद करोगे आराम से याद हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं अपन, सेकंड बात करते हैं किसकी, खाद्य रंग, इसकी बात करते हैं बेटा,
खाद्य रंग की बात करते हैं। नंबर दो है आपका कौन सा, खाद्य रंग, खाद्य रंग। देखिए आप शादी विवाह में जाते हो वहां पर आइसक्रीम खाते हो, खाद्य भी खाते हो, मिठाई खाते हो, कई जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर की मिठाई मिलेगी। आइसक्रीम जो होती है डिफरेंट डिफरेंट कलर की मिलेगी, जूस है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर का मिलेगा। तो खाद्य वस्तुओं को आकर्षक और मूल्य संवर्धित के लिए आकर्षक बनने की रेट बढ़ जाएगी उसकी। क्या कह रहा हूं मैं, खाद्य वस्तुओं को आकर्षित व मूल्य संवर्धित के लिए प्रयुक्त किए गए रासायनिक पदार्थों क्या बोलते अपन, खाद्य रंग कहा जाता है। बात सुनिए, वह रसायन जिनका प्रयोग खाद्य वस्तुओं को आकर्षित व मूल्य संवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्या कहलाते हैं, खाद्य रंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, खाद्य रंग कहलाते हैं, राइट। अब आजकल अधिक मूल्य के चक्कर में हानिकारक खाद्य रंग भी प्रयुक्त करने लग गए हैं, इसलिए विश्व खाद्य संगठन ने इसको लिमिट कर दिया गया और आज वर्तमान समय में विश्व खाद्य संगठन ने रासायनिक खाद्य रंग के रूप में किसको, कोलतार रंजक को मान्य किया गया है। क्लियर, विश्व खाद्य संगठन ने रासायनिक खाद्य रंग के रूप में किसको, कोलतार रंजक को मान्यता प्रदान की गई है। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है बेटा एग्जाम में, बात क्लियर है, परिभाषा होगी और आपका एक नंबर का क्वेश्चन होगा। विश्व खाद्य संघ द्वारा प्रयुक्त होने वाले या मान्य रासायनिक खाद्य रंग का नाम लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, कोलतार रंजक। क्या नाम है, कोलतार रंजक। बात क्लियर है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक प्राकृतिक और नंबर दो रासायनिक। नंबर एक प्राकृतिक, नंबर दो रासायनिक। बात करते हैं प्राकृतिक की, जो प्रकृति में पाए जाते हैं, केरोटीन लाल रंग का होता है, केसर सब जानते हो दूध मिलाकर पी जाती है पीले रंग की होती है, तीसरा है चुकंदर का रस, प्रकृति मिलता है चुकंदर गहरा लाल रंग का होता है, ये सब क्या है, प्राकृतिक खाद्य रंग है, प्राकृतिक खाद्य रंग है। कैरोटीन लाल रंग, केसर पीला रंग, चुकंदर रस गहरा लाल रंग, क्या है बेटा, प्राकृतिक खाद्य रंग। बात करते हैं किसकी, रासायनिक खाद्य रंग की, इसकी बात करते हैं, रासायनिक खाद्य रंग की बात करते हैं, कौन कौन से, टेट्राजीन, एरिथ्रोसीन, देखो नाम बोल रहा हूं मैं, टेट्राजीन, कौन सा बोला, टेट्राजीन, 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 इरिथ्रोसीन, 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 रहेगा नाम याद, सनसेट येलो, सनसेट येलो मतलब जब सूर्य आपका सनसेट होता है, अस्त होता है, वो दिखाई देता है वैसा पीला रंग, इंडिगो फार्मीन, इंडिगो फार्मीन, इंडिगो फार्मीन, बार बार नाम लोगे याद हो जाएंगे, कहां प्रयुक्त किए जाते हैं, किन में करते हैं, डिब्बा बंद फल सब्जी बेकरी मांस मछली आदि में प्रयुक्त किए जाते हैं, डिब्बा बंद फल सब्जी बेकरी मांस मछली आदि में प्रयुक्त किए जाते हैं, कौन से हैं, रासायनिक खाद्य रंग कहलाते हैं। परंतु वर्तमान समय में अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए जो दुकानदार है वो हानिकारक खाद्य रंग भी प्रयुक्त करते हैं। कई बार देखा होगा आपने फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उसके कारण भी हो सकती है। क्लियर बेटा,
तो ये अपना जैव रसायन का लास्ट टॉपिक था, खाद्य परिरक्षक या परिरक्षक, कंफ्यूज मत होना। और दूसरा था खाद्य रंग, आपका ये जैव रसायन चैप्टर आज कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी आप डाउट रखते हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।